मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने बताया कि मंडल में कुल 192 मरीज कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसका इलाज L1 और L2 के हॉस्पिटल में चल रहा है। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने बताया कि अब तक 83 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। मंडलायुक्त ने बताया कि कोविड के रोकथाम के लिए सभी CMO को निर्देशित किया गया है कि वे मरीजों के इलाज के में कोई भी कोताही न बरतें। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने जनता से अपील किया है कि वे घरों से बाहर न निकले, अगर आवश्यकता हो तो मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, इस समय मंडल में आज कुछ हमारे पास अधिक केसेस पॉजिटिव आए हैं और उसको लेके चारों जनपदों में 192 केस पॉजिटिव हैं और आज जितने हमने रिलीज किए हैं जो पेशेंट ठीक हो गए हैं उनकी संख्या बढ़ के 83 हो गई। 83 पेशेंट जो हैं कोविड पॉजिटिव वो मंडल में अभी तक डिस्चार्ज हो चुके हैं, ठीक होकर घर जा चुके हैं और इस समय 192 एक्टिव केसेस हैं जिनका इलाज चल रहा है और इस समय हमारे चारों जनपदों में उनकी जो कोविड फैसिलिटी है L1 वो क्रियाशील है और उसके साथ साथ DRD मेट्रोपॉलिटन में जो L3 फैसिलिटी है वो भी क्रियाशील है। सो बेसिकली ये 192 लोग जो हैं इन पाँचों फैसिलिटी में भर्ती हैं और इनका इलाज चल रहा है और हम आशा करते हैं कि ये शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करेंगे। जो कॉन्टेनमेंट और सीलिंग की एक्सरसाइज स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के हिसाब से की जानी है वो की जाएगी। आज हम लोगों ने सभी CMOs और AD माइक्रोबायोलॉजी लैब DRD प्रिंसिपल DRD और जिलाधिकारी गोरखपुर के साथ वार्ता करके हम लोगों ने एनालाइज किया है कि कैसे सिस्टम को हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे स्मार्ट सैंपलिंग को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे यहाँ माइग्रेंट्स आए हैं पिछले 3 सप्ताह में और उसका भी प्रभाव इन चीज़ों पर पड़ रहा है, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है। हमने लगभग 2000 बेडों की क्षमता को और बढ़ावा किया है चारों जनपदों में मिलाकर और हम आशा करते हैं कि हम इस संक्रमण से जनमानस को बचा सकेंगे। आपके माध्यम से अनुरोध यही है कि जो भी हमारा जनमानस है वो आवश्यक काल के लिए ही घर के बाहर निकले और घर के बाहर निकलने में जो बारंबार कहा जा रहा है मास्क का ठीक तरह से प्रयोग और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको जरूर अपनाएं। धन्यवाद।